हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूट्यूब क्लाउड। तो एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक नया वीडियो, नया टॉपिक। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहें, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें। तो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है वो टोटली शेयर मार्केट के ऊपर रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट के ऊपर रिलेटेड है। तो प्लीज़ वीडियो को केयरफुल पूरा शुरू से लेके एंड तक देखें, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियरी होने वाली है वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक नाउ। हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर और बात करते हैं उसके इंपोर्टेंट लेवल्स के बारे में। तो गाइस, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर और आज की अगर आप कैंडल देखेंगे तो बहुत बड़ी गिरावट आई है इसके अंदर। मतलब एक टाइम इसने गैप डाउन ही ओपन किया था, छोटा सा गैप डाउन था, मतलब 18,102 के आसपास ये ओपन हुआ था और वहां से इसके अंदर गिरावट ऐसी आई कि इसने लगभग अपना लो बना दिया था डे का 17,850 का। और ये एक ऐसी गिरावट आई थी जो जिसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। और इसने रुका कहाँ पे, एक अच्छा खासा इसका सपोर्ट लेवल था। अगर इस लेवल को आप देखेंगे ना, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ पहले, आप इस लाइन को हम यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये वाला। तो ये जो लाइन था इसको इसने सपोर्ट मान के यहाँ से फिर थोड़ा रिवर्स गई, जिसको हमने कॉल में भी थोड़ा सा कैप्चर किया था और इस पूरे पुट को हमने इंजॉय किया है अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो बात करते हैं फ्राइडे और उसके आने वाले वीक में क्या स्ट्रक्चर बन सकता है निफ्टी के अंदर। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये जो एक सपोर्ट है निफ्टी के लिए बहुत ही बड़ा सपोर्ट और एक संजीवनी बूटी का काम कर सकता है ये सपोर्ट। लेकिन बाई चांस अगर इसको ये ब्रेक करती है ये सेलिंग प्रेशर, उसके बाद ना बहुत बड़ा फॉल दिख सकता है मार्केट के अंदर। तो प्लीज थोड़ा सा केयरफुल तरीके से ट्रेड कीजिए और जो भी आप टारगेट ले रहे हैं, अगर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है तो प्लीज उसको बुक करते चलिए, ठीक है। तो अब बात करें ना अगर इस सपोर्ट की, तो हमारा सपोर्ट जो यहाँ से है अभी लगभग 17,820, यहाँ से हम लोग मान सकते हैं मतलब 17,820 से लेकर ये 17,750 या फिर 40 मान सकते हैं। लेकिन अगर 17,740 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट कर देती है ये तो बहुत बड़ा फॉल दिख सकता है हमें। लेकिन मुझे नहीं लगता इसको इसके नीचे जाना चाहिए, लेकिन अगर जाता है तो उसको हम टेलीग्राम पे फॉलो कर लेंगे, जो भी होगा हम अपडेट कर देंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके अंदर से एक फिर से एक बाइंग आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको अपने रडार पे रखिए कि अगर ये यहाँ पे जाता है मार्केट यहाँ पे, तो इसको एक ऊपर अपमूव जाना चाहिए, बाकी जो नीचे होगा हम लोग टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर देंगे। अब बात करते हैं अपमूव में कितने रेजिस्टेंस होंगे इसको अब रोकने के लिए। तो ये हो सकता है एक डब्ल्यू पैटर्न बना दे, जैसे कि ये फिर ये और ये। यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी भी डाउन दिखा रहा है, प्लस डाउ जोन्स भी अभी तक डाउन दिखा रहा है जब लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो हो सकता है फिर यहाँ पे आके, दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाला हुआ है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी मेरी रिसर्च होती है मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ, चाहे वो इक्विटी में हो या फिर ऑप्शन में हो, जो कि टोटली फ्री है। डबल बॉटम बना के एक अच्छे खासे रिकवरी दिखाए, जो रिकवरी एक बहुत ही शार्प रिकवरी आएगी, जो एटलीस्ट मुझे लगता है कि कम से कम यहाँ तक तो जानी चाहिए, मतलब 18,060 और उसके बाद लगभग 18,100 के पास निफ्टी को जाना चाहिए। तो इसको मैं रडार पर रखिए, अगर यहाँ से चलती है निफ्टी तो बहुत बड़ी मूव आने वाली है, बहुत फास्ट मूव आएगी, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे रुक सकती है निफ्टी तो हमारा जो पहला टारगेट होगा एटलीस्ट यहाँ पे होगा, मतलब पहला टारगेट हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं। ज्यादा ही अगर सेफर साइड आपको जाना है तो पहला टारगेट आप निफ्टी में यहाँ रख सकते हैं लगभग 18,060 का, मतलब 18,060 का। उसके आगे हम लोग रखेंगे 18,100 का और उसके बाद थोड़ा जो भी होगा लेवल हम लोग डिस्कस करेंगे टेलीग्राम में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो ये तो हो गई निफ्टी की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी चार्ट के ऊपर और इसके इस कैंडल को देखेंगे ना, आज वाली कैंडल को, तो आप देखेंगे कि ये जो कैंडल थी ग्रीन वाली इसको साफ साफ इसने कवर अप कर दिया है। तो इसकी ओपनिंग हुई थी हमारी आज की बैंक निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 42,703 पे और उसके बाद इसने अपना लो बना दिया 41,540 का और उसके बाद इसकी क्लोजिंग जैसे तैसे हुई, लेकिन फिर भी क्लोजिंग होते होते भी बैंक निफ्टी में गिरावट आ गई थी लगभग 1,085, ठीक है। तो अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो हमने जैसे पिछली वीडियो में भी हमने बात किया था, जो ये वाला जो लेवल है ना बहुत अच्छा का सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए भी, निफ्टी के अंदर भी। तो गाइस आपको ये ध्यान में रखना है, लगभग इसने ब्रेक कर दिया था लेकिन क्लोजिंग नहीं मिल पाई है। लेकिन बाई चांस अगर इसके नीचे जो आज का लो है, हम लो की आज की बात करें तो आज का लो है 41,540 का, उसके नीचे अगर ये ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है ना बैंक निफ्टी, एक बहुत बड़ा फॉल दिखेगा आपके उसके अंदर। गाइस अगर इस लेवल की बात करें ना, बहुत अच्छा सपोर्ट था बैंक निफ्टी के लिए, काफी दिनों से एक रेंज में घूम रहा था जिसको इसने ब्रेकडाउन देके रिटेस्ट पे गया था और हमने अपने मेंबर्स पे एक पुट दिया था लगभग 109 का, जो कि आज 1140 का उसने हाई बनाया है। तो गाइस ऐसी ट्रेड को अपने अकाउंट में इनिशिएट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। मतलब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये तो फॉल कुछ भी नहीं था, हो सकता है 2000 पॉइंट का भी करेक्शन दिख जाए आपको बैंक निफ्टी के अंदर। तो प्लीज आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ पूरा पड़ा हुआ है। एटलीस्ट हमें यहां तक बैंक निफ्टी दिख सकता है, पहला टारगेट हमें ये हो सकता है लगभग 40,200
20 का और उससे थोड़ा सा ऊपर हमें देखे ना तो 40,300 का ऐसे मतलब यहाँ तक हमें देख सकता है बैंक निफ्टी, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और अगर इसके अंदर से एक अच्छी खासी यहाँ से बाइंग आती है, हो सकता है एक बार इसका सपोर्ट ले ले बैंक निफ्टी लगभग 41,300 का अगर ये सपोर्ट लेता है एक बार, अगर मान लीजिए फ्राइडे पर गैप डाउन थोड़ा सा होता है तो एक बार हो सकता है कि यहाँ से रिकवरी आ जाए। अगर निफ्टी ने रिकवर किया तो इसके अंदर यहाँ से रिकवरी आ सकती है। तो यहाँ से इसके अंदर अपमूव जब से आएगा तो जो इसका टारगेट होगा, अगर इसको इसने ब्रेक नहीं किया तो पहला टारगेट अपना यही होने वाला है 41,550 का। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक कर पाता है तो यहाँ से जब ये ऊपर जाएगा ना तो अपना जो पहला टारगेट जो पहला रेजिस्टेंस होने वाला है वो ये वाला हो जाएगा इंट्राडे बेसिस पे 41,830 का। उसके ऊपर जाएंगे तो 41,920 का। उसके ऊपर अगर ये जाती है बैंक निफ्टी तो इसके अंदर लगभग ये वाला जो एरिया है रेजिस्टेंस काम करने वाला है बैंक निफ्टी के लिए वाला, तो 42,270 के आसपास का हमारा लेवल होगा बैंक निफ्टी के लिए। और उसके ऊपर अगर बात करें तो ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है 42,540 का। और उसके ऊपर ये मतलब सीधा अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो बहुत सारे रेजिस्टेंस हो चुके हैं, तो बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ऊपर जाना। अगर इसको HDFC बैंक जिसका सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा नीचे है, एक्सिस बैंक जिसका सपोर्ट नीचे है, कोटक बैंक थोड़ा सा सपोर्ट कर सकता है, SBI बैंक सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, तो इन सब बैंकों को देखें प्लस ICICI बैंक जो काफ़ी ज़्यादा हाईली वेटेज शेयर है बैंक निफ्टी के अंदर, वो एक सपोर्ट के आसपास है। तो अगर उन लोगों ने सपोर्ट किया तो मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन यहाँ पे जब जाए ना बैंक निफ्टी इस वाले एरिया में, ये अपना एरिया होगा लगभग 42,640 से लेकर 42,750 के आसपास का। यहाँ से हमें एक बार और फुट में एंट्री लेनी चाहिए, एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर जो भी इसके लेवल्स हैं, होप ये आपको समझ में आएंगे और उम्मीद करता हूँ आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, मैं तो बाय, टेक केयर, कीप वाचिंग माय वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाला हुआ है, आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी मेरी रिसर्च होती है मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ, चाहे वो इक्विटी में हो या फिर ऑप्शन में हो, जो कि टोटली फ्री है। वहाँ पे जाके आप हमारा परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं। होप गाइस आप उस टेलीग्राम चैनल पे विजिट करेंगे और जैसा प्यार मुझे आप यूट्यूब पे दे रहे हैं वैसा आप टेलीग्राम पे भी देंगे। होप गाइस ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। अगर इस वीडियो से आपने थोड़ा सा भी सीखा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम का चैनल भी डाला हुआ है, उस टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कीजिए। मैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्री में ऐसे टिप्स देता हूँ शेयर से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। वहाँ पे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी वहाँ पे मैं टिप्स देता हूँ वो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ देता हूँ। तो वहाँ पे आप जो भी ट्रेड करें वो खुद की जिम्मेदारी होगी। तो प्लीज़ वहाँ पे भी चैनल को ज्वाइन करें और वीडियो यहीं पर एंड करते हैं।